रोहन बैठ इधर, तेरा फीवर गया नहीं अभी तक? हाँ तुझे अभी भी फीवर हो रहा है और बहुत हाई फीवर है, तूने दवाई ली? हाँ ऋषि मैंने दी थी दवाई। ओके रोहन तू अब सिर्फ रेस्ट कर, ओके रूम में जा और रेस्ट कर, ठीक है? डैड पारो वापस आ जाएगी ना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। डैड वो वापस कब आएगी प्लीज बताओ ना, बताओ ना डैड। पारो को कुछ नहीं होगा, आपके डैड है ना, आपकी बहन को कुछ नहीं होने देंगे, बहुत जल्द वापस वो घर आएगी। ओके आई प्रॉमिस। यस फुल स्पीड में ये। अरे वाह उठ गया मेरा बच्चा। हाँ मॉम यस और स्पीड में। क्या बात है, यहाँ से कैसा फील हो रहा है बाप? अच्छा फील हो रहा है मॉम। तबीयत ठीक है ना? हाँ। अच्छा क्या कर रहे हो आप? गेम खेल रहा हूँ। फोन किसका है? लक्ष्मी माँ का। हाँ ये तो लक्ष्मी का फोन है। हाँ मॉम उन्होंने अपना फोन दिया था मुझे गेम खेलने के लिए। अब रोहन बेटा आप एक काम करो, आप ना जाके फेस वॉश कर लो, बहुत गंदा हो रहा है, डर्टी हो रहा है बहुत। गंदा? पर मैंने सुबह तक फेस वॉश किया था मॉम। हाँ सुबह किया था ना, लेकिन अभी देखो अभी आप रोए थे कितना सारा, तो थोड़ा सा डर्टी हो रहा है। आप जाओ ना थोड़ा फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ। जाओ जल्दी। हेलो मेरी बात ध्यान से सुन, तुम ना जल्दी से लक्ष्मी के फोन पे एक मैसेज टाइप करो जल्दी से। क्यों? अरे क्यों छोड़ो, जैसे मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वैसा करो, प्लीज जल्दी से उसके फोन पे एक मैसेज भेजो। अरे पर क्या मैसेज करूँ, आई लव यू लिख दूंगा उसे। शट अप बकवास बंद करो, सिर्फ इतना मैसेज करो कि लक्ष्मी अकेली अपने घर से निकले और तुम्हें यानी किडनैपर को 20 मिनट में हवेली पे मिले और पैसे लेकर आए, पैसे तुम लेकर चले जाओगे वहां से और पारो की चिंता ना करे, पारो बिल्कुल सेफ है और बाहर खेल रही है, ठीक है? अच्छा बात सुनो, बकवास मत करो, चुपचाप से जैसा बोल रही हूँ एग्जैक्टली वैसा ही करो, ठीक है? जल्दी से। और हाँ ऐसे नंबर से मैसेज करना जो ट्रेस ना हो सके, ठीक है? आ गए? हाँ मैसेज तो आ गया, अब बस वो मैसेज मुझे ऋषि को दिखाना है, लेकिन कैसे कैसे देखे ऋषि वो मैसेज? Yes. I know. ऋषि वो मैसेज कैसे देखेगा? आजा जल्दी अब रेस्ट करेंगे रूम में। ऋषि सुनो ना, एक्चुअली मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं अपना नंबर डायल कर सकती हूँ इस फोन से प्लीज? ओके ठीक है थैंक यू। मत आना ठीक नहीं होगा। हो एक्चुअली उसका मैसेज बॉक्स खुल गया मुझसे और मैं इसके मैसेज नहीं पढ़ना चाहती, तो प्लीज तुम डायल कर दो ना प्लीज। ओके मैसेज बॉक्स बंद कर दो और सीधा अपना नंबर डायल कर लो ना। नहीं ऋषि एक्चुअली वो सामने कुछ होता है ना तो वो दिख ही जाता है, ऐसा मैसेज सामने होगा तो कुछ भी दिख नहीं, मुझे नहीं देखना उसे कोई मैसेज, तुम प्लीज तुम डायल कर दो मेरा नंबर प्लीज प्लीज ऋषि प्लीज।